हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोजत रोड थाना अधिकारी ऊर्जाराम ने 10 ग्राम 4 मिलीग्राम अवैध स्मैक बरामद की। एक मुलजिम को किया गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गगनदीप सिंगला ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान बुगलाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पाली के निकटतम सुपरविजन में एवं डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ वृत्ताधिकारी सोजत के निर्देशन में ऊर्जाराम थाना अधिकारी सोजत रोड को इत्तला मिली कि ग्राम सीसरवादा की तरफ से एक व्यक्ति पैदल सोजत रोड की ओर आ रहा है जो कि सोजत रोड का रहने वाला है, जिसके पास अवैध स्मैक होने की पूरी संभावना है। तुरंत नाकाबंदी की जावे तो बड़ी मात्रा में अवैध स्मैक बरामद हो सकती है। सूचना पर थाना अधिकारी सोजत रोड में जाप्ता द्वारा ग्राम सीसर वादा से सोजत रोड आने वाली रोड सरहद सोजत रोड पर नाकाबंदी की गई तो सूचना के मुताबिक एक व्यक्ति पैदल सोजत रोड की ओर आता हुआ नजर आया, जिसको निरुद्ध करने पर उसके कब्जे से 10 ग्राम 4 मिलीग्राम अवैध स्मैक बरामद होने पर कार्रवाई कर मुलजिम सोजत रोड निवासी राजू खान पुत्र चांद मोहम्मद जाति घोची मुसलमान उम्र 32 साल निवासी मालियों का बास सोजत रोड पुलिस थाना सोजत रोड जिला पाली को गिरफ्तार किया गया। जागरूक टीवी के लिए सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।